हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे भगवान की दया से। और अभी मैं भी नहाए धोए करके ऊपर आई हूँ, बाल लाल सूत के। फिर नीचे बने रहिए हमारे साथ। गाइस, मैं तो नहा धो के बाबा पे जाके आई थी, और रास्ते में देखो भाई घास के भाटो वाली पीछे को तो नी सब आई है, और आगे को राजेश जी जा रहे हैं मचक मचक बरोटा लेके। अहमद दीदी लेके जाती है, और दिन अहमद दीदी का स्थान लिया भाई इनने। जी जी से वजन आता नहीं, जी जी सुबह ही जल्दी चली गई भाई, वजन थोड़ा लाग रहा है तो फूल बरस रहे माता भाई, फूल बरस रहे। हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। पूरे मोर फाट रहे हैं यार, पहली बार मतलब पता नहीं कितने दिनों में आज सिर पे वजन रखा है, तो मतलब पूरे एकदम से ऐसे ढीला छोड़ रहा हूँ ना शरीर, तो पूरा दुख रहा है बिल्कुल अभी। और इन्हें मजा आ रहा है देखो, है ना? ए, हम भी तो काम कर रहा घर को यार। ये घर को काम करे मतलब ये भरोटा घास वास का तुम्हारा काम है ना? मैं आलू वजन को लटाऊंगी। अब घास वास का तो इनका काम है, हेमल आती थी और दिन तो, लेकिन क्या अब हेमा तो है नहीं, और जी जी पे आते है नहीं, बड़े आदमी है और ये भी बड़े आदमी है, इनपे भी नहीं वजन, इनको भी वजन सूट नहीं करता है बिल्कुल, तो मतलब कुछ कुछ काम ऐसे ही तो करने पड़ते हैं, और परिवार तभी जाके चलता है आप समझ सकते हो भाई, सब हिल मिल के और फिर काम करे, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई वो होते ही ऐसा करे, ये भी जरूरी नहीं है, कुछ काम है जो अपने को भी करने पड़ते हैं मजबूरी के साथ, तो ऐसा है। और आप ऐसा मत समझ लेना कि भाई यही देखना बाकी रह गया अब तो, कि भाई लुगाइयों के होते चते मतलब घास के भरोटे सिर पर लेके आ रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर, अभी तो नया धोई नहीं किए कुछ नहीं, नया धोई करके और फिर मिलते हैं। अभी मैडम झाड़ू निकाल रही है, ये देखो इनको बस सफाई तो चाहे नगर पालिका में लगवा दो इनको कोई भाई सफाई के मामले में मतलब हाँ नहीं, नगर पालिका में लगवा दो इनको साहब कोई देखो रूमों को बिल्कुल धो के और कंप्लीट कर दिए, गीला गीला हो रहा है अभी तो, इसमें पोछा और देना पड़ेगा, जिससे ये पानी पानी से हो रहे हैं तो इनके धार भी सही हो जाएंगे। तो अभी इनमें सूखे कपड़े से पोछा लगाएंगे, धुलाई तो कर दी और पोछा लगाते ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, नहीं पैर पैर उड़ाते वो पूरे फ्री हो ये बिल्कुल, क्योंकि आज बहुत सारा काम धोया फकाड़ी लीपना चूल लीपे छान को लीपी और जी जी रे तो क्या सरसों काटने चली गई, तब आई हुई तो 12 बजे के समथिंग आई सरसों काट के, और वीडियो भी नहीं बना रहे 2-3 दिन से क्योंकि राजेश जी सरसों काटने जाते हैं, मोबाइल को साथ में लेके जाते हैं, और उन्होंने तो बोला भी कि आप बना ले करो वीडियो यहाँ, पर क्या घर में बहुत काम होता है तो बिल्कुल एक भी मिनट टाइम नहीं मिलती, 5 मिनट बैठने को टाइम नहीं मिलते बिल्कुल भी। तो फिर मैंने बोला मैंने कि क्या बनाऊंगी वीडियो, मेरे को टाइम नहीं मिलते, फिर उन्होंने क्या करे अब, क्योंकि अब लावणी लावणी में तो ऐसा ही चलेगा, कोई दिन बनेगी कोई दिन नहीं बनेगी, तो एडजस्ट कर लेना, फिर लावणी से फ्री हो गए, फिर तो बाद में घूमने जाएंगे तो अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे आपको देखने के लिए। जैसे फ्री हो गए बिल्कुल, पोचा वोचा लगा के पोता वोता दे के चूल्हे के छान में फूल वूल मार दिए सब, और अब बिल्कुल फ्री है, नीचे से झाड़ू वगैरह करके सामान वामान जमा के बिल्कुल, और अभी ऊपर रूम की मैं रोज से करती हूँ सफाई, और आज और पोछ लिया और पोछा लगा दिया पहले रवि को, और लगा दी पोछा जिससे सही हो जाएगा रूम। तो पानी बाल्टी में पानी रखा है, इसमें कपड़ा पटक रखा है, और फिनाइल भी पटक रखी जी, फिनाइल से क्या है चीटी टीर नहीं होती है इसलिए। तो अभी राजेश जी भी आ गए स्टेशन पे से, और काका जी बहुत देर के इंतजार कर रहे थे, फोन भी कर रहे थे नीचे से, पर उनको मालूम तैयार नहीं था कि फोन न्याय छोड़ गए मुनी साहब पास में, क्योंकि आज बाहर उनकी तबीयत खराब रहती है, तो 2-5 दिन में नहाते हैं तो वे ही नहाते हैं राजेश जी, तो देखो आपको बताती है। ये देखो राजेश जी नुहा रहे काका जी को, माँ बाप तो इसी जन्म के ये तो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं,
बहुत ज्यादा ख्याल रखते क्योंकि माँ बाप थे इसी जन्म के। देखिए साहब, है बहन जी के जाने के बाद इनका काम बढ़ गया। देखो क्या कर रहे हो, गोबर खारी थाप रही है। और उधर देखो, हमारी नीतू ने छोटे छोटे होली के लिए ये छोटे 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 ये थेपली बना रखी है, इनको होलिका में जलाई जाएगी। और अभी मनीषा गोबर ये छाने बना रही है। अच्छा फिर नहाएंगे, नहाऊंगा और मैं। तो गाइस 1:30 बजे तो काम से फ्री हुई, थोड़ी सी देर आराम करने लगे और अब 3 बज गए और अब दोबारा काम की टाइम हो गई, 2:45 बज गए। और अब काचनी आचनी काटेंगे बाड़े में से, फिर कुट्टी करके भैंसों सांदी करेंगे, थोड़ी सी देर आराम करने लग गई। और अब बैठ रहने से पार नहीं पड़ती भाई, खड़ा होंगे। चलो छोरियो, एक सुमन भाई फिर काचनी को काटे, तुम हमारे ही करूं काम, तुम्हारे हमारे को करे पास से करेगा, क्यों? हमारे जरूरी करेगा ना। छोटी छोटी सी तेज पक्की रहती है, हमारे ही करेगा काम। तो काचनी आचनी तो काट ली वही बाड़े में से, और अभी कुट्टी करेंगे फिर नीरेंगे भैंसों बाद में। और इधर काचनी काट के दर्दी दो डोकोला भर के काटते हैं ऐसे टपारा, और अभी कुट्टी करूँ। ये कुट्टी करने की लकड़ी और ये कटरना। तो जब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं बाद में। इधर को सर्व कर दिया एक साइड में और इसमें चारा मिला दिया बिल्कुल, इसको मिक्स करेंगे और जब नहीं रहेंगे। मला दिया भाई, अब नहीं रहे इसको। तो खाना ना खा पी के फिर, और अभी ऊपर आ गई रूम में, और अब 7:30 का टाइम हो गया। और आज तो क्या कि हमारे वो दाजी खत्म हुआ तो उसकी 15 आड़ी की काट दी भाई। तो मतलब माँ जी के आ गए, माम तो मैं जीजी और अहमद दीदी, भाई भाई विजय तय नहीं क्योंकि वो आज अहमद दीदी लेने गए उनके ससुराल, और राजेश जी काका जी खाते नहीं। तो काका जी को तो आज वे यहाँ ही सौंप गए, तो उनको बाबा ही भभूत फटक के खीर तो खिला दी, खीर पूरी सब्जी और रोटी बनाई। तो राजेश जी ने तो यहाँ खाना खाया है, तो जाते नहीं है, उनसे भी ज्यादा आंट रखते काका से ज्यादा। काका तो कभी कभी कोई बार त्योहार मानते तो मतलब भभूत फटक के खिला देते। और कल तो खुशी की बात, कल तो खुशी का दिन है, 2 दिन से तो मतलब मन ही नहीं लग रहा, कल तो हमारी दीदी भी आ जाएगी। तो फिर आपको कल की वीडियो तो हमारी दीदी की मिलेगी, कल वीडियो बनाएंगे उसमें। तो आज तो मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा परवैया हवा चल रही है, तो इतने बाहर तो कमरे से बाहर निकलते ही मतलब बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बिल्कुल हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और राजेश जी तो नीचे ही काका जी के पास में, उनके पास में बैठे हुए समाचार वमाचार, मतलब उनको शाम की सोते हैं दिन रात में भी 3-4 बार संभालते हैं काका जी को। और अभी थोड़ी बहुत देर उनका मन नहीं लगता है, रात में तो फोन वोन देख लेते हैं फिर बाद में सो जाते हैं। तो अभी उनके पास में बैठे राजेश जी तो मैं ऊपर आ गई रूम में। और आज के लिए बस इतना ही, और एडजस्ट कर लेना मतलब 2-5 दिन तो ऐसे ही चलेगा लावणी में भाई, कभी बनेगी कभी नहीं। और अभी तो आपको 2-5-10 दिन के भी आपको घर के ब्लॉग झेलने पड़ेंगे, फिर तो बाद में लावणी से फ्री होते ही फिर कहीं जाएंगे घूमने के टूर पे, तो आपको फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।